के पहले। और अब अपने दर्शकों का सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और मुंबई से पूनम हमारे साथ जुड़ रही हैं। नमस्ते पूनम जी, बताइए कोई इनकम टैक्स का नोटिस मिला जिससे आप परेशान हैं? दूर करते हैं आपकी परेशानी, पूछिए सवाल। हाँ मैडम, मेरी मम्मी एक सीनियर सिटीजन है, उनका फाइनेंशियल ईयर 15-16 का मैंने रिटर्न टाइम पे फाइल किया था। तो ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते समय मेरा माँ का मेरा 86 का इन्वेस्टमेंट था जो मैंने ओरिजिनल रिटर्न में नहीं बताया था। तो इसके लिए फिर मैंने उनका रिवाइज रिटर्न फाइल किया और रिवाइज रिटर्न फाइल करते समय 86 का इन्वेस्टमेंट का बताया वो, और मेरे को रिफंड भी मुझे मिल गया उसका 29,500 रिटर्न भी मुझे मिल गया और ITR प्रोसेस भी हो गया। तो मुझे 28 February 2019 में मुझे एक ऑर्डर मिला जिसमें 5,000 पेएबल आया अंडर सेक्शन 271F के अगेंस्ट आया। तो फिर मैंने ऑनलाइन उनको रिप्लाई दिया 7 March 2019 को। मैंने ऑनलाइन रिप्लाई करते थे, ये ऑप्शन था कि डिसएग्री विद डिमांड, मैंने वो वाला क्लिक किया और रीजन दिया कि आई एम फाइल रिवाइज रिटर्न फॉर एडजस्टमेंट ईयर 16-17 आफ्टर ड्यू डेट, बट आई एम फाइल ओरिजिनल रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स बिफोर द ड्यू डेट एज पर रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 139(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, प्लीज वे ऑफ माई डिमांड ऑफ विद 5,000। तो आप मुझे अभी ये बताइए कि मुझे अभी 5,000 पे करना है कि जो मैंने ऑनलाइन रिटर्न फाइल किया 7 March को, मुझे उनका रिप्लाई के लिए वेट करना है कि मैंने 7 March को रिप्लाई दिया, अभी तक कुछ मुझे उनसे रिवर्ट नहीं आया, लगभग 2 महीना हो गया। पूनम जी ऐसा है, देखिए पूनम जी ऐसा है कि असेसमेंट ईयर 17-18 तक इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन था कि अगर आप आपका रिटर्न जो असेसमेंट ईयर है उसको ख़त्म होने के पहले नहीं फाइल करते तो आप पे 5,000 रुपये का पेनल्टी लग सकता है। आपने आपका ओरिजिनल रिटर्न तो टाइम पे फाइल कर दिया, रिवाइज रिटर्न आपने बाद में ही फाइल किया। हो सकता है आपने जब रिवाइज रिटर्न फाइल किया हो तब ओरिजिनल रिटर्न की डिटेल नहीं सबमिट की होगी, उसमें कॉलम रहता है इफ़ इट इज़ रिवाइज रिटर्न देन सबमिट द डेट एंड मशीन नंबर एटसेट्रा ऑफ द रिवाइज रिटर्न, तो उसकी वजह से वहाँ कन्फ्यूजन हो गया। परंतु आपको पैसा ये 5,000 रुपये भरने का ज़रूरत नहीं है, आपने एप्लीकेशन कर दिया रेक्टिफिकेशन का, आपका करेक्शन हो जाएगा, और नहीं होता है तो भी आप रिमाइंडर डालते रहिए और नहीं ई निवारण के थ्रू भी आप ये इश्यू रेज कर सकते हैं और आपको ये 5,000 रुपये भरने की जरूरत नहीं है। और अब नीतू